दिस न्यूज प्रोड्यूस्ड बाय सनराइज अपार्टमेंट। किसानों की भूमि को सिंचाई हेतु चांदपुर जलाशय का पानी उपयोग में लाया जाता है, जिसे खरीफ तथा रबी की फसल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वर्ष रबी की फसलों को उपयुक्त बनाने के लिए कुछ गांवों को पानी दिया गया था। गत 2 माह से चांदपुर तालाब के मुख्य द्वार लीकेज होने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो चुका है। बारिश ना होने के कारण किसानों ने चांदपुर जलाशय का पानी शुरू करने की मांग की है। इस बारे में संबंधित विभाग के यंत्री डिकवार से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमने लीकेज की कंप्लेंट मैकेनिकल डिपार्टमेंट को दे दी है और इसके लिए 6 लाख मंजूर हुए हैं। सोमवार से लीकेज सुधारने का काम किया जाएगा, किंतु किसानों को अपने खेतों की नर्सरी सूखते देख चिंता सता रही है। आपके अपने चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।